मोबाइल ले जाएगा इनका, बैठे पा लो। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं तुर्की के शहर अंताल्या, जो कि अपने बीचेस और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्यूरिन वाटरफॉल्स और वहां पे मौजूद बैट केव, येवली मिनारे मॉस्क, हेड्रियंस गेट, मर्मल्ली बीच और अंताल्या की मार्केट्स, और हाँ, अंताल्या रीजन के मशहूर अदाना कबाब भी। पैमुकाले से फिर हमने अंताल्या के लिए बस ली और आगे के सफर पर निकल पड़े। आखिरी रो में सीट बुक करने का फायदा ये है कि वक्त पड़ने पर आप अपनी औलाद के लिए बेड भी बन सकते हैं। हमने एक वीडियो ऑनलाइन बस टिकट बुक करने की भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो पैमुकाले से बस का सफर तय करके तकरीबन 3.5 से 4 घंटे में हम अंताल्या पहुंच गए। उस दिन तो हम सुबह से फिर ही रहे थे तो आराम किया, फिर अगले रोज हम निकल पड़े अंताल्या की सैर को। इन आंटी की शॉप हमारे होटल के बिल्कुल पास में थी और इंग्लिश का मसला यहाँ पे भी था, तो ये अपनी जबान बोलती थी, हम अपनी बोलते थे। इस तरह दोनों एक दूसरे को समझा के कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेते थे। Yeah, yeah, two, three. Yes, yes. Can I record video? Can I record video? Fish. Oh? Yeah, yeah. 9. Okay, okay. Huh? And this is 1 4.5. Yeah, it's very cheap actually. हम वाटरफॉल की तरफ जाते हुए अभी लेकिन जबरदस्त पानी आता हुआ नजर आ रहा है। हमारे टैक्सी वाले टर्किश भाई। So this is the bat cave. देखिए साउंड सुनाई दे रही है बैट की। ये पूरा बैट केव है जो ऊपर जा रहा है रास्ता। फाइनली हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पर आ गए यहाँ पे, जहाँ से ड्यूरिन वाटरफॉल दिख रही हैं आपको। इस साइड से भी नज़र आ रही है वाटरफॉल एक। इस वक्त फाइनली हम लोग जो हैं आमिर बैक साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 वाटरफॉल्स निकल रही हैं
पानी बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है यहाँ पर। साथ साथ धूप पड़ रही है इसके ऊपर, तो उससे भी बहुत ही और खूबसूरत लग रहा है। पानी लग रहा है, धुआं उठ रहा है पानी में से, ऐसा लग रहा है जो है जब। पानी के छींटे आ रहे हैं ऊपर जो है ना, नीचे से बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है पानी। केव के अंदर खड़े हुए हैं हम लोग और वहां से व्यू नजर आ रहा है ट्यूडन वाटरफॉल का। ये वाकई लग रहा है कि केव के अंदर जा रहे हैं बिल्कुल चलते हुए। पूरा गार वाला रास्ता है यहाँ से। बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। ब्यूटीफुल वॉटरफॉल की वजह से पानी है थोड़ा, तो देख के चलना पड़ेगा नीचे। काफी सारा पानी है यहाँ से आप देख सकते हैं, तो हम बिल्कुल पानी में चलते हुए जा रहे हैं। जस्ट लुक एट द व्यू। तो वाटरफॉल्स की साइट पर यहाँ पे ऑलिव प्रोसेसिंग एरिया है, जो कि पुराना वक्त में ट्रेडिशन इस तरह ऑलिव्स को प्रोसेस करते थे। अभी मैं मौजूद हूँ हैड्रियन गेट में, जो कि वन ऑफ द हिस्टोरिक प्लेसेस में से है अंटालिया के ओल्ड टाउन में। कबूतर कहाँ कहाँ बैठे हैं ऊपर तक। ये खासियत है तुर्की की कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ पे कबूतर नज़र आते हैं कहीं ना कहीं ओल्ड टाउन एरियाज में।
अभी मैं मौजूद हूँ यिबली मीनारे मॉस्क के पास, और ये भी ओल्ड टाउन में लोकेटेड है। इस तरह की गलियां लगता है कि जैसे बहुत ही पुरानी स्टोरीज होती है ना, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे उस तरह की स्टोरीज लगती हैं बिल्कुल, कि उसमें कहीं घूम रहे हैं। ये बोट साइड एरिया है ओल्ड टाउन में। ज्यादातर क्रूज और बोट ट्रिप्स के लिए लोग यहीं से चढ़ते हैं, और कुछ ऑफिसेस ओल्ड टाउन में भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी बुकिंग की जा सकती है। ये मरमेरली बीच है, क्योंकि अंतालिया में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको बाज़ारों में सोवनियर शॉप्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। इसमें ज्वेलरी, घर ले जाने के लिए फ्रिज मैग्नेट्स टाइप, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये तो पुराने से पुराने ज़माने का पंखा लग रहा है। लाइव स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस पूरे टर्की की तरह अंतालिया में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। ये
और शाम के वक्त तो ये और भी ज़्यादा होता है। जो स्टैचू नज़र आ रहा है इसे कमाल अतातुर्क मॉन्यूमेंट कहते हैं। ये टर्की के फाउंडर कमाल अतातुर्क की याद में बनाया गया है और इस स्क्वायर का नाम रिपब्लिक स्क्वायर है। यहाँ पे काफ़ी सारे कैफेज़ भी हैं तो आप बैठ के सिर्फ शाम में टाइम इन्जॉय कर सकते हैं। अंतालिया रीजन के मशहूर अदाना कबाब। अदाना कबाब इन मेकिंग। तो भाई ये है मशहूर अंतालिया के मशहूर अदाना कबाब, तो आइए ट्राई करते हैं। जबरदस्त। ये हमारी गो टू प्लेस रही है ऑमलेट के लिए। जितना इनका नाश्ता मज़ेदार है उतना ही यहाँ का खाना भी मज़े का था। हमने इनका ताऊक चिकन और चिकन टेंडर्स ट्राई किए और दोनों ही बहुत ही मज़ेदार थे। अभी मैं मुराद पाशा एरिया में हूँ और ओल्ड टाउन सारा मुराद पाशा में है। Turkish logo. Logo. And pistachio, walnuts, hazelnuts, peanuts, everything. Okay, okay. So many combination, right? I'm thinking like what to buy actually. So okay, can you please tell me which one is this one? Turkish loco. Loco. Yes. Okay, thank you. Not Turkish flag, loco. Okay. So we have bought the Turkish loco. अंतालिया अपनी नाइट लाइफ और वाइब्स के लिए बहुत मशहूर है, तो जून जून शाम का वक्त होता जाता है लोगों का रश और भी बढ़ता जाता है।
और कैफेज और खाने पीने की जगह बिल्कुल भरी रहती हैं। यहाँ एक और कमाल की बात हमें ये लगी कि ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग में सोलर पैनल्स लगे हुए थे, और इसके साथ ही हमारा अंतालिया का सफर अपने अख्ताम को पहुंचता है। अंतालिया से फिर हमने इस्तांबुल की रवानगी के लिए रुख कर लिया अंतालिया एयरपोर्ट का, क्योंकि यहाँ से इस्तांबुल का रास्ता बहुत ज्यादा है, तो बजरिया एयर आराम से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हमने पेगासस एयरलाइन के जरिए अंतालिया से इस्तांबुल का सफर किया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई है तो ये जो लाइक का बटन दिया हुआ है, हाँ हाँ यही बिल्कुल ये अंगूठे वाला, इसको दबा दीजिए, और बराबर में जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है अगर पहले नहीं दबाया था तो उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि भाई आगे की वीडियोज़ भी तो देखनी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।